क्या आपने पतंग उड़ाई है? बहुत, करीब 40 बरस हमने लड़ाया है। कौन से क्लब से? नवाब साहब, अमीनाबाद क्लब। अमीनाबाद क्लब, तो हमने एक ताबे तक के लड़ाया, इतने इतने बड़े कंकवे होते, समझे आप। उनका भाई ओरिजिनल बारा बहुत अच्छे आदमी है, हमारी मुलाकात हुई उनसे जब मैं 11-12 बरस का सिन था, तो एक हैदर साहब थे बहुत बड़े कारीगर उनका जी, बहुत नामी गुजरे, वो भी बाजारी में बनाते थे, वो घर के भी को करीबी थे जी, उनको देख देख के छोटी छोटी पहले बनाता था, उसके बाद में फिर बड़ी करने लगा कि इसमें क्या होना चाहिए है। पतंग जो बनाई तो बनाते बनाते जब बहुत नाम होने लगे, तो एक आशिक हुसैन साहब थे बहुत बड़े कारीगर, बहुत अच्छे, फिर उनकी बड़ी मुश्किलों से उन्हीं ने शागिर्दी मैंने उनसे की, उन्हीं ने शागिर्द बनाया, उसके बाद में फिर उनका रंगदा जरूर जोड़िएगा, रंग जोड़ने लगा। नामी कारीगर जो होता है, ये खड्डा जो है काम और खड्डा जी, जैसे कि ये औरत बना रही है जो बहुत अच्छा बनाती है उर्मिला जी, को घर से कंकैया लेके किसी को जाते नहीं देते हैं, वहीं से लोग आन के ले जाते हैं। सबसे बड़ी खूबी है कि अच्छी होती है, जब भी उसके वहाँ एक मरता ले गए दोबारा पी आए, वैसे ही इर्शाद साहब का है, समझा कि ये घर से घड़ी से इनकी चली जाती है। मतलब पुराना या जो पुराने जो गुजर गए कारीगर, उनके और आज के कारीगरों में क्या अंतर है? और दूसरा बहुत है, खाका नहीं काट पाते, ये जो खाका होता है मेन सारा दारो मदा इस खाके को ऊपर होता है। अब औंधी सीधी लोग बन रही हैंगी, उनका लंबी काट की बना दीजिए, फुला बना दीजिए, हमारी जिंदगी बीती जा रही है। दो एक पातरंग पे हम बनाते हैं, कौन दो पातरंग, एक जरा छोटा है एक जरा बड़ा है, कुछ थोड़ा सा फर्क है, तो थोड़े ही फर्क में उड़ने में बहुत फर्क हो जाता है। क्या हो जाएगा? नहीं, ये होता है कि अब ये पतंग है, अब इसको पहले देखा जाता है, जो लड़ने की है उनको अलग कर लेते हैं, जो रखने की है ज्यादा टाइट है उनको रख देते हैं, रखने से कंकैया अच्छी हो जाती है। कमानी में जैसे ये कमानी लगी हुई है, अब इसको आप देख लिए सब एक सा आई हुई है चारों तरफ, यहाँ से है, और अब इसको जब झुकाएंगे तो पूरी कंकैया झुकती है ना, वो मालूम हो जाता है कि एक तरफ की हल्की है एक तरफ की भारी है, जो करके जिधर की हल्की तो मालूम हो उधर कंकैया गिरेगी है। अब उसको इधर की काप दबा के वो कैसे, अगर हल्का सा काप दबा के दिखा दे हमारे लोगों को, कैसे हल्का सा काप, कैसे मतलब यहाँ पर से जैसे हल्की है काप दबाई तो ठीक हो गई, यहाँ से काप दबा दी ठीक हो गई, तो ये होता है। और खड्डों में क्या देखना होता है उस्ताद साहब? खड्डे का ये होता है, कुछ कहते हैं कि मैं मीडियम पेच लड़ाऊंगा, छोटा पेच तो वो हल्के लगते हैं, और जो भार जो दूर लड़ाते हैं उनमें जरा भारी लगते हैं। कंकैया देखी जाती है जब ज्यादा टाइट है तो वो खड्डा यहाँ से ज्यादा घिसा जाता है, वो काबू में रहेगी, जो चाहेगा आदमी जिधर मोड़ना चाहेगा उधर मुड़ेगी, ये होता है। ये देखिए लड़ाते हैं कंकवा, बैठे भाई इधर पास बैठे, सब कंकैया इन्हीं की हैं। अच्छा, क्या नाम है मालिक आपका? जी शमी, शमी साहब। और किस क्लब से लड़ाते हैं इस वक्त? हम सन क्लब से लड़ा रहे हैं। सन क्लब से लड़ा रहे हैं, तो कैसी पतंग है नवाब साहब की? हमारी नवाब उस्ताद की पतंग इस टाइम पे सबसे अच्छी है, मैंने खुद काटा है, हाँ। स्टार काटा है, लोगों के स्टार जो होते हैं तो अच्छे नहीं होते, तो पहले प्लेन जोड़ा जैसे कि ये जुड़ा हुआ है, हाँ। अब अंदर का जो निकला तो उसका बराबर से काट के पीस में जो दिया छोटा करके वो ये आ गया, मतलब ये भी लोग नहीं जोड़ पाते हैं, वो कहते हैं बराबर नहीं आ पाता है,
तो अभी उनके अकल का फिर चक्कर है। नवाब साहब, लखनऊ के अंदर क्या कभी आपने अपनी पतंगे दुकान पे दी हैं किसी के? नहीं ना, दुकानदार इतनी महंगी कहाँ बेचेगा। ये भी एक शौकीन है। आई जावेद नाम है। मैं असल में यहाँ नेपियर चैलेंजर से शॉप करता हूँ। मेरा क्लब है नेपियर चैलेंजर, और वैसे मैं प्रॉपर दिल्ली में रहता हूँ ज्यादातर, और दिल्ली में मेरा ब्लैक काइट क्लब है। ब्लैक काइट क्लब के नाम से मेरा क्लब है, वहाँ शॉप करते हैं। और हमारे जितने भी मेंबर हैं, उस्ताद के बड़े मुरीद हैं, लाजवाब मेकर हैं, बहुत ही लाजवाब मेकर हैं। इनकी टक्कर का है ही नहीं अभी कोई भी कारीगर। इस एज में भी इतनी बारीकी से आप देख सकते हैं कि ऐसा काम कोई नहीं कर सकता जी। साल भर से मैं इनको बता रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, और इस वक्त ये अच्छा खासा बनाने लगे हैं। इनका रेट भी पतंग में अच्छा हो गया है, और ये अच्छा कर रहे हैं। दिमाग के भी अच्छे हैं, नेक भी हैं, सीधे भी हैं, और उस पर ध्यान देते हैं कि काप ऐसे छीलिए, ठड्डा ऐसे छीलिए, इतना लगाइए, कह रहा है टाइट बनाइए तो उसको कितनी टाइट बनाइए, ऐसी बनाइए। तो वो उनको गहक भी हमने लगा दिए हैं कुछ नामी, जैसे आपने नाम लिया था आगा भैयू। बहुत अच्छी पतंग बना रहे हैं इस टाइम पे हमारे इरशाद भाई। बहुत अच्छी, और ज्यादातर एक अच्छी है, बहुत मुस्तकिल मैं इन्हीं की पतंग लड़ाना पहली प्रायोरिटी। अगर मैं अगर पतंग लड़ा रहा हूं, ये हाँ। जो है हमने बनाई है। अब इसमें जो इन्होंने बनाई है, अब हल्के से देखिए तो समझ में आया काप कैसी लगी है। वही जो आपको वहां मोनी पुरुआ में उसने बताया था आपको, हाँ। कि हल्के से देखे समझ में आ जाएगी। अब इसी सूरत से कंपनियां जो हैं, नवाब साहब आपके सिखाए हुए सबसे अच्छे शागिर्दों में तीन नाम अगर आप देना चाहें तो? एक तो बाबूलाल मर गया, एक बजाजे में रहता था श्याम लाल, वो भी मर गया अभी मेरे ख्याल में उसको 3-4 बरस हुए। नवाब साहब, आपने जब पतंग उड़ाते थे तब आपके घर वाले आपको कभी मना किया डांटा कि पतंग क्यों उड़ा रहे इतनी? उसकी वजह ये थी कि टाइमिंग थी, एक टाइम है उस वक्त उड़ाई। अब मैं जो उनकी गर्म है लू धूप है उसमें ना शौक कीजिए।